कभी कुछ नहीं कर सकेंगे। रावण के दरबारियों ने कहा कि है तो हमारा अपमान है, तुम राजा के पुत्र हो, इसका यह अर्थ तो नहीं कि हमारा अपमान करो। पर अस्त ने कहा कि अपमान करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हम केवल इतनी सी बात कहना चाह रहे हैं कि राम जी के संग इतने बंदर आए, इन सबको खा जाओगे तुम? राक्षस बोले हाँ हम खा जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, कुछ दिन पहले राम जी के दल का एक बंदर आया था और उसने तुम्हारे देखते देखते लंका जलाई? राक्षस बोले हाँ जलाई। बंदर नहीं जलाई? हाँ। तो प्रहस्त बोला उस दिन तुम्हारा पेट खराब था कि भूख नहीं लगी थी? छुदा न रही तुम्हें तब काहू, और जारत नगर कस न धरी खाऊ, तब तुम्हें भूख नहीं लगी थी? नगर जलाते समय पकड़कर बंदर को क्यों नहीं खा गए? अब सब चुप। प्रहस्त ने कहा कि एक बंदर को खा नहीं सके और इतने बंदरों को खाने की बात कर रहे हो, ये बिना विचारे काम कर रहे हो, और कितना सुंदर संकेत है, जहां बिना विचारे काम होता है उसका मकान सोने का भी क्यों ना हो तो भी आग लगे बिना रह नहीं सकती। तो लंका कांड में काम किया जाता है विचार नहीं, और किष्किंधा कांड में विचार किया जाता है काम नहीं। आपने वो कथा सुनी होगी, पौराणिक कथा है लेकिन बड़ी सामयिक है। राहु ने अमृत पी लिया, देवताओं का रूप धारण करके भगवान ने चक्र चला दिया, सिर धड़ अलग अलग हो गए, तब से वे दो हो गए, राहु और केतु। राहु माने केवल मुख और केतु माने धड़। अच्छा आप विचार करो, ये सिर विचार का काम करता है, मुख बोलने का काम करता है, और सिर जो विचार करता है उसको क्रियान्वित तो हाथ पांव यही सब करते हैं। तो कार्य करना है धड़ का काम और विचार करना है सिर का काम। अब भगवान के चक्र से ये कट गए तो दोनों अलग हो गए, और इसका अर्थ है कि जो विचार करते हैं बोलते हैं वे कुछ करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो विचार नहीं कर पाते। आज यही तो हो रहा है, विचार करने वाले कुछ कर नहीं रहे हैं और करने वाले कुछ विचार नहीं कर रहे हैं। और आप ये देखो, दोनों अगर अलग अलग हों तो ये जीवन नहीं मृत्यु है, और जब दोनों मिल जाएं सिर और धड़ तब जीवन है। इसका अर्थ यह है कि जब कर्म और विचार मिल जाएं जिसके जीवन में, उसी का नाम जिंदगी है, नहीं तो मृत्यु है। कर्म और विचार मिल जाएं। अंधेरी रात एक मोटरसाइकिल चालक बड़ी तेजी से अपनी मोटरसाइकिल दौड़ा कर ले जा रहा था, पर मजे की बात उसकी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं थी और मोटरसाइकिल बड़ी तेजी से दौड़ा रहा था। चौराहे पर खड़े हुए सिपाही ने डंडा दिखा दिखा ठहरो ठहरो, तुम्हारी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है, कहीं खतरा खा जाओगे। मोटरसाइकिल चलाने वाला बोला हम खतरा खाएंगे तब खाएंगे, तुम सामने से हट जाओ क्योंकि इसमें ब्रेक भी नहीं है। क्या हो गया है हमें, न ज्ञान का प्रकाश है न संयम का ब्रेक है, अज्ञान की अंधेरी रात्रि में उम्र की सड़क पर जिंदगी की मोटरसाइकिल दौड़ती चली जा रही है। अरे जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। इसलिए भाई मैं आपसे चर्चा कर रहा था, जहां विचार और कर्म दोनों मिल जाए वहां सुंदर कांड होता है। किष्किंधा कांड में केवल विचार है, कर्म नहीं है। अच्छा वो भी कुछ कर नहीं पाते चाहे जितने ऊंचे विचार रहे, जहां विचार को व्यवहारिक रूप नहीं मिलता और जहां बिना विचारे व्यवहार होता है उनका सब कुछ नष्ट होता है। पर सुंदर कांड की विशेषता यह है, सुंदर कांड में आने के लिए कुछ पीछे लौटना पड़ेगा लंका कांड वालों को, कर्म करने के पहले विचार, और किष्किंधा कांड वालों को आगे बढ़ने का कि विचार किया है तो वैसा कर्म करें तब सुंदर कांड हो। अच्छा सुंदर कांड आप पढ़ेंगे तो पाएंगे उसमें जगह जगह विचार शब्द का प्रयोग है। श्री हनुमान जी ने समुद्र पार किया, लंका में पहुंच गए, लेकिन पुर रखवारे देखी बहु
कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। हनुमान जी ने विचार किया, कपि मन कीन विचार विचार कपि मन कीन विचार मन कीन विचार। श्री हनुमान जी ने विचार किया, छोटा सा रूप बनाकर नगर में प्रवेश करूं, और इसीलिए संकेत बड़ा सुंदर मिलता है। अति लघु रूप धरो धरो निसे नगर करो पैसा करो पैसा नगर करो नगर करो पैसा नगर करो पैसा नगर करो पैसा। श्री हनुमान जी ने सोचा छोटा रूप बनाकर रात्रि में नगर में प्रवेश करूंगा। ये पहले विचार किया और विचार करने के बाद तुरंत कर्म किया। मस्क समान रूप कपि धरे 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 लंक ही चले सुमिर नर हरे लंक सुमिर नर हरे
ध्रुव लंकई जले सुमिर नर हरि नर हरि समा रूप अब एक दूसरा संकेत मिलता है कि हनुमान जी ने विचार किया कि छोटे बनकर नगर में प्रवेश करें। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, हनुमान जी के चरित्र की विशेष वह यह है कि हनुमान जी छोटे बनते हैं मगर काम बड़े करते हैं। बड़े बड़े काम किए हनुमान जी ने पर छोटे बनकर, और संकेत यह है कि बड़ा काम छोटा बनकर ही किया जा सकता है। जो विनम्र होते हैं वे ही बड़ा काम कर सकते हैं, अभिमानी कभी बड़ा काम नहीं कर सकता। हनुमान जी बनते हैं छोटे, काम करते हैं बड़े, हम लोग बनते हैं बड़े, काम करते हैं छोटे। इतनी बड़ी सफलता पाई है, समुद्र पार करके गए, लेकिन अति लघु रूप धरो, यह मैं अत्यंत छोटा बनकर रहूंगा। और ये सीता जी की खोज करने आए हैं, श्री सीता माता साक्षात भक्ति हैं, और भक्ति की खोज तो लघु बनकर नहीं, अति लघु बनकर ही की जा सकती है, अत्यंत छोटा बने कोई। देखो कुछ चीजें बड़े बनने से नहीं मिलती। अच्छा आप ऐसे सोचो, 20 किलो बालू में कोई 5 किलो चीनी मिला दे, फिर बुलाओ किसी पहलवान को कि अलग अलग करो, बड़े से बड़ा बलवान भी अलग नहीं कर सकता, हाथी भी अलग नहीं कर सकता, और चींटी को बुला लो तो सबसे छोटी है। जो सरकरा मिले सिकता महा, बलते न को बिलगावे, और अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपील का बिनु प्रयास ही पावे। चींटी को बिना प्रयास के मिल जाता है। देखो सरकरा का मिलना मुश्किल नहीं है, पर चींटी का होना मुश्किल है। इसका अर्थ यह है कि जगत की बालुका में मिली हुई भगवत भक्ति की सरकरा पाने के लिए जब कोई अत्यंत छोटा अपने को चींटी समझता है तो उस रस को प्राप्त कर लेता है, अभिमानी नहीं कर पाते। हनुमान जी अत्यंत छोटा, और इतने ही नहीं बने भी तो क्या बने, मशक समान, मच्छर जैसे। यह श्री हनुमान जी का दैन्य है, विनम्रता है कि इतना बड़ा कार्य करने के बाद, समुद्र संतरण के बाद, वहां पहुंचने के बाद, इस उपलब्धि को उपलब्ध होने के बाद वे अपने को मच्छर समझते हैं। यह दीनता, यह विनम्रता। और मच्छर अपने को कौन समझते हैं, अतुलित बल धामम, जो अतुलित बल के भंडार हैं वे अपने को मच्छर समझते हैं। और विडंबना यह कि हनुमान जी इतना बड़ा कार्य करके अतुलित बल धाम होने के बाद अपने को मच्छर समझते हैं, और आज हम कहीं इतना कर लें, समुद्र के पार चले जाएं कहां, तो मच्छर भी अपने को शेर समझते हैं कि हम मच्छर। क्यों? हमारे जीवन से दीनता विनम्रता चली गई है। हनुमान जी मच्छर मशक समान। और जो एक बात और मैं आपसे कहूं, क्यों समझते हैं? श्री हनुमान जी से जब राम जी ने कहा कि मुद्रिका लेकर आप गए थे, हनुमान जी ने कहा कि नहीं, मैं मुद्रिका लेकर नहीं गया था, मुद्रिका मुझे लेकर गई थी। ले मुदरी वा पार गई, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही। बस यही सूत्र है। हनुमान जी को यह नहीं लगता कि अंगूठी मैं लेकर गया, उन्हें लगता है कि अंगूठी मुझे लेकर आई। बस जिसे यह लगे कि मैं राम कथा को लेकर नहीं गया यहाँ, राम कथा मुझे यहाँ लेकर आई, तभी विनम्रता आएगी जीवन में। यह हनुमान जी का रहस्य। देखो हनुमान जी कथा कह नहीं गए, सीता माता की व्यथा मिटाने, कथा सुनाने समुद्र पार कर लंका में गए, लेकिन अत्यंत छोटे बनकर, अत्यंत विनम्र होकर, अत्यंत दीन होकर,
देखो श्री हनुमान जी महाराज मसक समान रूप कपिधरी। अच्छा कुछ लोग हैं जो समान को भूल ही जाते हैं, मसक समान रूप कपिधरी, मसक समान रूप कपिधरी, मसक समान रूप कपिधरी, मसक समान। हम कहीं चले सुमेर नर न कपिधर मसक समान रूप कपिधरी, मसक समान कपिधरी मसक श्री हनुमान जी मच्छर जैसे, हनुमान जी सिंहनाद करते हुए आए, यह उनका स्वाभिमान है, सिंहनाद करना उनका स्वाभिमान है, और अपने को दीनता के भाव से तुच्छ समझना यह उनकी निराभिमानता है। एक सज्जन कहने लगे, बड़ा विचित्र प्रश्न था उनका, वो पूछते थे कि महाराज एक बात बताओ। हमने कहा क्या? कहा हनुमान जी मच्छर बन गए। हम कहा हां बन गए, लेकिन मच्छर नहीं बने, मच्छर के समान, मसक समान, मच्छर जैसे। बोले वो एक ही बात है, मच्छर बन गए। हमने कहा अगर बन गए हो तो? का प्रश्न फिर यह है कि हनुमान जी अगर मच्छर बन गए तो अंगूठी कहां गई जो राम जी ने उन्हें दी थी? अरे हमने कहा यह अति संयोक्ति अलंकार है, बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई, साहित्य का एक रस है। और फिर भगवान की अंगूठी तो बोलती है, दिव्य आभूषण है, बोलती है, चर्चा करती है, आशीर्वाद देती है, तो जो घट सकती है बढ़ सकती है। तो हनुमान जी छोटे बने तो अंगूठी छोटी बन गई। वो मानने को तैयार नहीं, बोले नहीं नहीं ये 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 बात नहीं है ना। फिर गई कहाँ अंगूठी? तो हमने कहा कि भाई हम नहीं बता सकते। तो बड़ा खुश हुआ, बोले कुछ नहीं जानते तुम्हें, तो कुछ पता नहीं। अच्छा वो भी खुश हुआ क्योंकि उसे पता लग गया कि हमें कुछ पता नहीं है, और हमको खुशी इस बात की कि चलो झंझट कटा। लेकिन वो जैसे ही जाने लगा तो हमारे साथ एक सज्जन रहते थे, और उन्होंने कहा सुनो सुनो क्या पूछ रहे थे? हमने कहा क्या पूछे तुम्हारे महाराज, तो बता ही नहीं पाए। वो आदमी भी कम विचित्र नहीं था, कहने लगा वो महाराज के लायक प्रश्न ही नहीं, हमसे पूछो। तो हमको हंसी लगी कि ये क्या बताएगा, लेकिन वो भी आदमी कम विचित्र नहीं था, उसने जैसे ही पूछा कि हाँ हम यही पूछ रहे हैं कि हनुमान जी जब मच्छर बन गए तो अंगूठी कहाँ गई? तो वो हमारे साथ रहने वाले सज्जन बोले कि लंका में कोई छोटे मोटे शरीर वाले तो थे नहीं, सबके पहाड़ जैसे शरीर थे। नाथ भूदराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवतरण धीरा, और रावण भी धरे प्राण कज्जल गिरी, ये भी पहाड़। और वैसे भी कहावत है लंका में सब 52 गज के, तो पहाड़ जैसे शरीर वाले तो थे। बोले हाँ इतने इतने तो थे। बोले फिर एक बात बताओ, जब पहाड़ जैसे शरीर थे तो उनके शरीर में लगने वाले मच्छर क्या हमारे तुम्हारे शरीर में लगने वाले मच्छर जितने होंगे, छोटे छोटे? अगर इतने ही मच्छर लगेंगे तो पहाड़ जैसे शरीर वालों का कर क्या सकते? तो बोला कहने का मतलब, का मतलब यह है कि जब शरीर पहाड़ जैसे थे तो उनको लगने वाले मच्छर भी तो बिल्ली जितने होंगे कम से कम। बोला हां इतने तो होंगे। बोले तब तो फिर अंगूठी की समस्या नहीं रही,
फला नहीं रही, ये बात बिल्कुल ठीक है। और वो मान कर चला गया। मुझे बड़ी हंसी लगी कि कौन किस तरह से मानते हैं, यह अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन यहां हनुमान जी की दीनता है। मसक समान रूप कपि धरी, मसक समान रूप कपि धरी, मसक समान रूप कपि रूप मसक समान रूप कपि धरि, मसक समान लंकई चले सुमिर नर हरि, मसक समान मसक रूप। नाम लंकनी नाम लंकनी, एक निश्चरी सो कह चले से मोही निंदरी, सुख चल से सुख चलन। श्री हनुमान जी महाराज जैसे ही आगे बढ़े, मच्छर के समान अपने को तुच्छ समझकर छोटा सा आकार ग्रहण करके हनुमान जी हृदय में नरहरि स्वरूप श्री राम जी को बिठाकर जब लंका में प्रवेश करने लगे, तो नगर प्रवेश करते समय लंकनी मिल गई, लंका की अधिष्ठात्री शक्ति, उसकी रक्षा करने वाली लंका, लंकनी। और क्या बोली, सोका चलस मोह निंदरी, मेरी उपेक्षा करके जाने वाले तू कौन है। अब देखो हनुमान जी तो अपने को मच्छर की तरह तुच्छ समझकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन राक्षसों का एक स्वभाव होता है, आप कितने ही विनम्र बनकर चलो, आप विनम्रता में हाथ जोड़ते हैं, वे आपकी विनम्रता का भी गलत अर्थ लगाकर अकड़ते हुए मिलते हैं। कई बार आपने देखा होगा ना, कोई आदमी हाथ जोड़कर, अच्छा आजकल तुम्हारे बहुत दिमाग खराब हो रहे हैं, वो कह के नहीं साहब हम, अच्छा जवान लड़ाते हो, अब बोलो क्या करे वो। देखो भाई, विनम्रता गुण है, कायरता दोष है। वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है। वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है। हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है।
जब तक होती है शांति हृदय में तब तक हम होते हैं केवल भारत, और जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है हो जाते हम ही महाभारत। हम विनम्र हैं, कायर नहीं है। हनुमान जी विनम्र बनकर चल रहे, छोटे बनकर चल रहे, अब वो कह सो कह चलिस मोहि निंदरी, तो मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं। हनुमान जी ने कहा परिचय दो कौन हो। लंकनी बोली जाने सुनहीं मराम सठ मोरा, जाने जाने लंकनी बोली मेरा मर्म नहीं जानता, मेरे बारे में नहीं जानते, तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी बोले क्यों, हम लड्डू पूड़ी सेव संतरा गुलाब जामुन पेड़ा क्या है जो तुम हमें खा जाओगे। लंकनी बोली मैं ये सब नहीं खाती, मोर आहार जहां लगी चोरा, मैं चोरों को खाती हूं। जैसे ही लंकनी ने कहा कि मैं चोरों को खाती हूं, हनुमान जी मन में सोचने लगे कि ये चोरों को खाती है तो मैं क्या चोर हूं, मैं तो चोर का पता लगाने आया हूं। अगर ये चोरों को खाती है तो सबसे पहले इसे रावण को ही खा लेना चाहिए, क्योंकि लंका का वही सबसे बड़ा चोर है। रेतीय चोर कुमारक गामी खलमल रास मंद मति कामी, सबसे बड़ा चोर। और एक अजीब बात है, हनुमान जी कहते हैं हम तो चोर का पता लगाने आए हैं, और चोर को खाने वाली व्यवस्था चोर का पता लगाने वाले को ही खाने लगे। चोर को खाने वाली व्यवस्था जब चोर का पता लगाने वाले को ही खाने लगे तो समझ लो रावण राज्य में प्रवेश हो गया है, यही हनुमंत कथा संदेश देती है। अच्छा तब करना क्या चाहिए, ऐसी परिस्थिति विडंबना बस समाज में आ जाए तो क्या करना चाहिए, वही जो श्री हनुमान जी ने किया। मुठी का एक महाकतिहानी, मुठी का एक महाकतिहानी, मुठी का एक महाकतिहानी, मुठी का एक महाकतिहानी।
पतिहारेक महापति हरि रुधिर बमत धरनी रुधिर बमत धरनी हनुमान जी ने एक मुक्के का प्रहार किया, मुष्टिका। मुष्टिका का अर्थ गदा तो है ही, पर एक दूसरे अर्थ में भी मुष्टिका, मुट्ठी का बन जाना। अच्छा आप ऐसे देखो, हाथ में सब तरह की उंगलियां हैं और कोई किसी से मिलती जुलती नहीं, सब अलग। ये छोटी उंगली, ये बड़ी, ये सबसे बड़ी, ये तर्जी अलग, अंगुष्ठ अलग, लेकिन जब मुट्ठी बनती तो सब इकट्ठी हो जाती। हनुमान जी ने मुक्के का प्रहार किया, इसका अर्थ यह है कि हाथ में जैसे सब उंगलियां अलग अलग हैं, इसी तरह समाज में सब लोग अलग अलग तरह के हैं। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई बहुत बड़ा, कोई मध्यम, कोई अंगूठे की तरह अलग थलग, लेकिन जैसे मुट्ठी बन जाती है तो सब उंगलियां इकट्ठी हो जाती हैं। इसी तरह हनुमान जी ने जो लंकनी पर प्रहार किया तो हम लोगों को यह संदेश दिया कि जब चोर को खाने वाली व्यवस्था, चोर का पता लगाने वाले को खाने लगे, ऐसी अव्यवस्था आ जाए तो सारे समाज को संगठित होकर उस पर प्रहार करना चाहिए। ये मुठिका एक महाकवि, सबको संगठित होकर, फिर उसमें ये नहीं, मुट्ठी बंद जानी चाहिए, सब उंगलियां एक हो जानी चाहिए। अच्छा लेकिन एक अद्भुत बात है, हनुमान जी ने मुक्के का प्रहार किया पर इतनी जोर से नहीं कि लंकनी मर जाए, क्योंकि ऐसे सात्विक संगठन व्यक्ति के विरोधी नहीं होते, व्यवस्था में आई हुई बुराई के विरोधी होते हैं, और बुराई दूर हो जाए तो व्यक्ति से क्या विरोध है। रुधिर बमत, रुधिर बमत धरनी घन मनी, रुधिर बमत धरनी धरनी हनुमान जी ने एक मुक्के का प्रहार किया तो लंकनी के मुंह से निकला रक्त और लंकनी बन गई विरक्त। राग का रक्त बाहर निकलते ही व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। अपुनि संहारी उठी सो लंका, लंकनी संभल गई। हनुमान जी के मुक्के के प्रहार से लंकनी संभल गई, और कितनी अद्भुत बात है, हनुमान जी कौन, गुरुदेव, और सदगुरु मेरा सूरमा करे शबद की चोट। संत सत्संग की चोट करते हैं, और सत्संग की चोट जब किसी व्यक्ति को लगती है तो भीतर की बुराई जब बाहर आ जाती है तो साधक संभल कर खड़ा हो जाता है।